पानी जीवन है। ये सिंपल सी बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सच भी है, लेकिन साथ ही ये बात कड़वी भी है। सच इसलिए क्योंकि पानी के बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, और कड़वी इसलिए क्योंकि आज ये अनमोल पानी मुसीबत में है। हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से पीने लायक पानी बहुत कम है। ज्यादातर साफ पानी ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में जमा हुआ है, बाकी पानी जमीन के नीचे है। बढ़ती आबादी, कारखानों का बढ़ना और मौसम में बदलाव की वजह से पूरी दुनिया में पानी की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ रही है। पानी की कमी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके कई कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे पानी के स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। जंगलों को बेतरतीब काटने से बारिश का चक्र बिगड़ रहा है, जिससे सूखा पड़ रहा है। शहरों और कारखानों के कारण जमीन के नीचे के पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पानी का स्तर खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है। खेती में भी पानी की बर्बादी एक बड़ी समस्या है। पुराने तरीकों से सिंचाई करने से बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। खेती और कारखाने दोनों ही पानी के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। खेती में ज्यादा फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है, जिससे पानी बर्बाद होता है। कारखानों में भी बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों और जलाशयों को गंदा कर रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में पानी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सेक्शन 4, अ वर्ल्ड रनिंग ड्राई, द डेवास्टेटिंग इंपैक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी। पानी की कमी के नुकसान किसी से छिपे नहीं हैं। पीने के पानी की कमी से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। कई जगहों पर पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे खाने की समस्या पैदा हो रही है। पानी की कमी से आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। पानी की कमी से कारखानों को नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। पर्यावरण पर भी पानी की कमी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नदियां और झीलें सूख रही हैं, जानवरों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। सेक्शन 5, क्वेंचिंग द थर्स्ट, सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर। पानी की कमी एक गंभीर समस्या है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है। इसके लिए हमें पानी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। घर पर पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। नहाते समय, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय पानी बर्बाद न करें। खेती में टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसे नए तरीकों को अपनाना होगा, जिससे पानी की बचत होती है। कारखानों को भी पानी को दोबारा इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा और ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा जिनमें पानी कम लगे। सेक्शन 6, अ कॉल टू एक्शन, एवरी ड्रॉप काउंट्स। पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार, समाज और हर इंसान को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए आगे आना होगा। हमें याद रखना होगा कि पानी एक अनमोल चीज है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि हम पानी का सही इस्तेमाल करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य बनाएंगे।